ऑन। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून। सो हाय अंशुमान, माय नेम इज आफ्टरनून। अक्षता एंड टुडे आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू। आई एम द एकेडमिक काउंसलर एट मैग्नम मेडिकॉपरेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब एट कोरल थैंक रिसर्च एज अ रिसर्च एनालिस्ट। यू। ग्रेट। सो मैंने जितना सुना, मुझे जितना पता चला है, आपने जयपुरिया इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए कंप्लीट किया था, राइट? और वहां पे आपको, आफ्टर स्पेंडिंग योर 2 इयर्स, देन इतने ज्यादा पैसे आपने अमाउंट लगाया, उसके बाद आपको जो जॉब मिल रही थी वो सेल्स एंड मार्केटिंग में भी थी, राइट? हाँ जी। और फिर यहाँ पे आप आए, यहाँ पे 4 मंथ्स में ही कुछ थाउजेंड्स लगा के ही आपको जो जॉब मिली है इस टाइम पे, वो रिसर्च एनालिस्ट की मिली है एट 3.5 LPA, राइट? ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, योर फीडबैक अबाउट द मैग्नम मेडिकॉपरेंस? मैम, आई थिंक कि मैम जो एक मार्केटिंग रिसर्चर को जो चीज जाननी चाहिए, मतलब व्हाटएवर द नॉलेज जो जरूरत होती है एक इंटरव्यूअर को, एक एम्प्लॉय में या एक स्टूडेंट में एज अ मार्केटिंग रिसर्च के लिए, मैम वो मैग्नम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। और इसमें मैम, क्योंकि हम लोग को पीजीडीएम लेवल पे भी एक बेसिक नॉलेज दी गई थी, हाँ जी, मगर उस बेसिक नॉलेज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, उसका एप्लीकेशन कौन कौन कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैम जब हम लोग मैग्नम में आए तभी पता चला। तो राइट। बाकी मैम, मेरा जो भी इंटरव्यू हुआ उसमें कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी थे जो फर्स्ट राउंड में हुआ था, हाँ जी, उसके बाद एक नॉर्मल फाउंडर के साथ हुआ हम लोग का नॉर्मल इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने यही पूछा कि आपने क्या किया, एट करेंटली आप क्या कर रहे हैं, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, आपने पीजीडीएम करने के बाद आपने या एमबीए करने के बाद आपने क्यों मैग्नम ज्वाइन किया, या कोई इंस्टीट्यूट से आपने ये कोर्स क्यों किया, उसके राइट। पीछे क्या रीजन था, मार्केटिंग रिसर्च में क्यों जाना चाहते थे आप, ये सब चीजें सर मैम मैंने रखती है। और बाकी मैम इंस्टीट्यूट के बारे में यही है कि इंस्टीट्यूट ने मुझको ये बताया कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, मार्केटिंग रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी क्या है। मैम मैग्नम से मुझे यही पता चला कि थ्योरेटिकल एक चीज होती है, उसको अप्लाई आप कहाँ कर सकते एग्जैक्टली, हैं। यस मैम, यही आजकल के, आपको पता भी होगा, स्कूल और कॉलेजेस में यही कमी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, राइट? वो आपको राइट मैग्नम राइट प्रोवाइड करता है। सो आपकी राइट क्लासेस वगैरह कैसी थी, क्लासेस या ट्रेनर्स, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, ट्रेनर के बारे में तो मैम जितना बोलूंगा उतना ही कम है मैम, क्योंकि प्रभजोत मैम ने हम लोग को हर लेवल पे हेल्प किया, वेदर इट इज रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट और वेदर इट इज रिलेटेड विद द मार्केटिंग रिसर्च, हाँ जी, वॉट एवर अवर डाउट इज, देर इज नो लैंग्वेज बैरियर विद द मैम। इफ यू वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश और इफ यू वॉन्ट टू टॉक इन हिंदी और इफ यू वॉन्ट टू टॉक इन एनी अदर लैंग्वेज, शी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन द इंस्टीट्यूट। और मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैम टाइम देती है, ऐसा नहीं है कि 1 आवर का अगर आपकी क्लास है तो मैम उसी 1 आवर में ही आपको बता के चले, जो होता है क्योंकि मैम इतना पैक्ड रहता है, कोई भी टीचर अगर होता है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का, रहता है कि वो सोचता है कि 1 घंटे में काम खत्म करके हाँ अपना जी, मैं दूसरी क्लास हो जाऊँ। लेकिन मैम के साथ ये था कि मैम जब तक डाउट क्लियर नहीं कर लेती, जब तक वो बता नहीं देती इनको जो चीज बतानी रहती, तब तक मैम ने कभी छोड़ा नहीं, ना हम लोगों को कभी, मैं कहता लगा। बाकी मैम की तो मैम मैं क्या बोलूं मैम, शब्द नहीं होंगे मेरे पास। मैम ने तो हम लोग को समझ लीजिए एक तरह से मेंटर का ही रोल निभाया मैम ने, और जहां भी हम लोग का डाउट हुआ डाउट क्लियर किया मैम ने। और मैम बाकी तो मैम आप देख ही रही हैं कि प्लेसमेंट होना मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में होना, वो भी दिल्ली में होना, एक बहुत बड़ी बात होती है। एज अ एग्जैक्टली, पीजीडीएम स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल होता है एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में घुसना और एनालिस्ट या रिसर्चर की पोस्ट पाना। पैकेज तो मैम अपनी जगह होता है, लेकिन आपके ऊपर एक जब टैग लग जाता है किसी चीज का एग्जैक्टली, कि आप सेल्स बैकग्राउंड से हो या पीजीडीएम बैकग्राउंड से, तो लोग वो फिर मान के चलते हैं कि आप सेल्स ही केवल कर सकते हो या आप सेल्स मार्केटिंग ही केवल कर सकते हाँ जी, हो। इसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है और यही चेंज करने ही में मैग्नम आया था। वही। आप ये समझिए कि आप एज अ फ्रेशर गए थे, आपको अच्छा ब्रांड मिला है, और सैलरी, अगेन सैलरी सबसे पार्ट होता है, सबसे यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपका किस जगह पे सिलेक्शन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आप ये कहना चाहेंगे, जो हमने कमिटमेंट आपसे किया था कि हम, ठीक है, आपका कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आपको गारंटीड जॉब प्लेसमेंट है, वो भी ऐसे ही किसी कंपनी में नहीं, टॉप नॉच कंपनी होगी विद हाई सैलरी पैकेज होगा। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैम उसमें तो मैं यही कहूंगा कि मैम उसमें तो 100% मैग्नम
अपने शब्दों पे रहा, वर्ड्स पे रहा मैम, और ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिसमें एचआर ने हेल्प ना की हो या हम लोग के, क्योंकि मैम कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते हो या किसी भी जगह जॉब के इंटरव्यू लेते हो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर सम टाइम। एक एक इंटरव्यू होता है, दो इंटरव्यू होता है, जब आपकी, आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर कमी क्या है। आप जैसे मैम, हम लोग भी थे ना, हम लोग का हुआ इंटरव्यू, तो हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि हम लोग की कमी क्या है। उस समय सर ने हम लोग को बताया कि अगर आप ये बोलते हो तो ऐसा होता है, ये बोलते हो तो ऐसा होता है, और सर ने प्रॉपर गाइडेंस किया। मैम से भी हम लोग दोबारा सेंटर पे मिलने हैं, तो मैम ने हम लोग को पूरा गाइडेंस दिया। मैम ने अश्योर किया कि अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, आपको मॉक इंटरव्यू जब भी देना हो, मैम अवेलेबल रहेंगी, वीडियो कॉल पे, फेस टू फेस, एनीथिंग यू वॉन्ट रिगार्डिंग द जॉब, मैम विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग व्हेन एवर यू वॉन्ट। देर इज नो टाइम बाउंडेशन और टेक्नोलॉजी बाउंडेशन। आप फेस टू फेस मिलना चाहो, आप फेस टू फेस इंटरव्यू देना चाहो, वीडियो पे, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देना चाहो, टेलीफोन पे इंटरव्यू देना चाहो, मैम सब चीज के लिए रेडी। मैम ने कभी मना नहीं किया, ना कभी कुछ ऐसा हम लोग को कहा। राइट, तो आपको मतलब आपकी जो इंटरव्यू है उसका आपको पूरा सपोर्ट मिला, कैसे प्रिपेयर करना है पूरा सब कुछ. पूरा मैम सपोर्ट मिला, पूरा सपोर्ट, एग्जैक्टली. यहाँ तक कि मैम सीवी प्रिपरेशन से लेकर के, इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर के, इंटरव्यू में प्रोबेबिलिटीज और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, वो सब कुछ सर ने हम लोग को बताया। और सर ने मतलब हम लोग को यहाँ तक कि इन शॉर्ट में भी बताया कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ये सब। हाँ जी, ओके, ग्रेट. तो आपके क्या ऐसे क्या मतलब स्किल डेवलपमेंट क्या हुआ इन 4 महीने में, कैसे रही है चीजें? मैम जैसे मैंने पहले बताया कि मैम जो एप्लीकेबिलिटी होती है मैम, क्योंकि नॉलेज होना एक अपनी जगह होता है मैम। जैसे मुझे पता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, मतलब थ्योरेटिकल वाइज मुझको पता है, बट उसका एग्जाम्पल, उसको कहाँ आप अप्लाई करते हो या उसका क्या एप्लीकेशन होता है मैम। क्वेश्चनेयर हम लोग हर शॉप पे, हर जगह फिल करते हैं, लेकिन उसका क्या एप्लीकेबल मैम, क्योंकि मैं पीजीडीएम बैकग्राउंड से था, तो मैंने पहले भी मार्केटिंग रिसर्च में मैंने ट्रेनिंग की हुई, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका था कि हाँ ऐसे होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जब आप किसी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में जाओगे तो उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, उसका क्या लेवल होगा। तो मैम ये इंस्टीट्यूट ने मुझको बताया, जैसे मैम कई ऐसे होते हैं जो टॉपिक थे जो मैम ने पढ़ाए हम लोग को, मैम ने बताया, सर ने बताया, जो कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं फिनेंस से मैंने पीजीडीएम भी किया, मुझे नहीं पता था उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैम स्वॉट एनालिसिस और मैम इंडस्ट्री एनालिसिस वो सब मुझे पता था, लेकिन जैसे मैम ने एस्टीमेट के बारे में बताया, मैम ने और भी ऐसे टॉपिक्स कवर किए जो बी प्लस इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि ये तो सोचते हैं लोग कि ये तो हाँ मैम फालतू की चीज है, इसको कोई मतलब नहीं, वो स्वॉट एनालिसिस हुआ, टेस्टर एनालिसिस हुआ, यही सब पढ़ा के वो चले जाते। बाकी मैम मैम ने हम लोग को बताया कि एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, मतलब आपसे क्या पूछा जा सकता है, बस मैम ये बताया ना, यही हम लोग को, आप यही कह सकते हैं कि हम लोग को इसी का एज मिला। और इसी से मैम जो होता है मैम कॉर्पोरेट में मैम आदमी यही देखता है कि आपको एच किस चीज का है, बाकी मैम इंस्टीट्यूट का तो मैम आप सही सुने कि मैम ने इतना अच्छे से हम लोग को बताया। थैंक हाँ जी, तो ओके अंशुमान, दैट वाज फॉर द इंटरव्यू. यू। इस टाइम पे जहाँ पे लोग जॉबलेस हो रहे हैं आफ्टर पैंडमिक, आपको भी पता है ये चीजें, कोविड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वहाँ पे मैग्नम ऐसे ही और ज्यादा लोगों तक पहुँचता रहे और उनको जॉब प्रोवाइड्स करता राइट रहे. एंड राइट राइट, बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू. थैंक यू थैंक यू आई सी थैंक यू, यू थैंक बाय. यू थैंक यू।